जिंदगी लंबी होनी चाहिए बड़ी नहीं, ये कहावत तो सबने सुनी है, ये डायलॉग सबने सुना है, बहुत पॉपुलर है। बट मैं आज आपको एक इन्वेस्टमेंट का डायलॉग सुनाता हूँ जो इससे बिल्कुल अपोजिट है। इन्वेस्टमेंट लंबी होनी चाहिए बड़ी नहीं। सो बेसिकली आपकी इन्वेस्टमेंट बड़ी हो या छोटी अमाउंट से हो, बट उसको आपको लंबे टाइम तक होल्ड करना है टू गेट मोर रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट। जब भी आप एक फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, वो कंपनी आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी बड़ा रिटर्न दे सकती है, क्योंकि उस कंपनी में धीरे धीरे ग्रोथ होगी, वहाँ पे लोग इंटरेस्टेड हैं अपनी कंपनी को ग्रो करने के लिए और प्रोडक्ट नए नए बनाएंगे, तो उस चीज़ में टाइम लगेगा, बट इवेंचुअली योर मनी विल ग्रो एंड नॉट स्मॉल अमाउंट, वो काफ़ी बड़ा रिटर्न दे सकता है आपको, 100x 200x तक रिटर्न दे सकता है अगर आप उसको होल्ड करके रखोगे तो। बट ये जो कंपनीज़ हैं, ये अच्छी कंपनीज़ या फिर फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनीज़, हर एक बंदा आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, बिकॉज उसके लिए आपको थोड़ी नॉलेज चाहिए। अब मान लेते अगर आपको नॉलेज नहीं तो क्या करोगे, बिना नॉलेज के आप क्या इन्वेस्ट नहीं करोगे, कर सकते हो। और उसी चीज़ की आप बात करने वाले हैं आज हम, कि ऐसा क्या तरीका है कि अगर आपको स्टॉक मार्केट की या फिर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज की नॉलेज नहीं है तो भी आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, पर्टिकुलरली एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर को हायर करके। सो बेसिकली आप एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर को, जो पैसे मैनेज करता है, आप उसको नौकरी दोगे और वो आपकी नौकरी करेगा, आपके पैसे को बड़ा करेगा, ग्रो करेगा विथ टाइम। अब जिसके जिसके दिमाग में आ रहा है कि मैं लक्ष्मी चिट फंड की बात कर रहा हूँ जो 21 दिन में पैसे डबल करके दे रही है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट म्यूचुअल फंड, एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि कितने टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं, आप उनको कैसे कर सकते हो, कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो, कैसे पैसे लगेंगे उसमें, वो सब चीज़ें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इफ़ यू आर बिगिनर इन स्टॉक मार्केट और आपको अपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं, आपके पास कैश पड़ा है, आपका पैसा अकाउंट में सेविंग बैंक में खराब हो रहा है, कम हो रहा है, और आप चाहते हो कि कहीं मार्केट में इन्वेस्ट करें, बट यू डोंट नो कि कहाँ इन्वेस्ट करें, आपको नॉलेज नहीं है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। आई एम गोइंग टू टेल यू कि कहाँ आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो विदाउट हैविंग अ जीरो नॉलेज ऑफ स्टॉक मार्केट। हाय गाइस, माय नेम इज सिद्धांत, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल, जहाँ पे मैं स्टॉक फाइनेंस और ट्रेडिंग से रिलेटेड की बात करते हैं, उससे आप कैसे पैसे अर्न कर सकते हो उसकी बात करते हैं। आज का टॉपिक है म्यूचुअल फंड, और आप इस वीडियो को एंड तक देखना अगर आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं अपने जो सेविंग अकाउंट में पड़े हैं और रिटर्न अच्छा पाना है तो। नाउ व्हाट इज म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड क्या होता है? तो म्यूचुअल फंड एक ऐसी कंपनी है, ठीक है, एक ऐसा आप कह लो कि नॉर्मल समझो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको नॉलेज है कि पैसे कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसको पता है कि कौन सा मार्केट कैसे चलता है, कहाँ इन्वेस्ट करने पर ज़्यादा रिटर्न आएंगे, कहाँ इन्वेस्ट करने पर कम रिटर्न आएंगे। वो आपसे पैसे लेता है, हम जैसे आप जैसे लोगों से पैसे लेता है, और उस पैसे का एक पूल बना के एक बड़ा अमाउंट मार्केट में इन्वेस्ट करता है, ठीक है। जैसे क्या हुआ कि 100 लोगों से उन्होंने 10-10 रुपए लिए, वो आपका पूरा 1000 रुपए हो गया, ठीक है। उस 1000 रुपए को वो मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे और जो रिटर्न आएगा, ठीक है, जो रिटर्न आएगा उसमें से कुछ पैसे लेंगे वो अपने लिए, जो उनकी फीस होगी, जिसको बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो, ठीक है। और बाकी का जो रिटर्न होगा बराबर बराबर जैसे जैसे लोगों ने बाय किया था, जितना जितना इन्वेस्ट किया था, उनको दे दिया जाएगा। तो बेसिकली आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको एक नॉलेजेबल पर्सन को अपने पैसे दे देने हैं, ठीक है। वो आपका पैसा इन्वेस्ट करेगा, रिटर्न निकालेगा, उससे कुछ पैसे उसमें से कुछ लेगा कमीशन, और आपको रिमेनिंग अमाउंट दे देगा। तो ये हो गया, अगर आपके पास पैसे हैं और आपको नॉलेज नहीं है कैसे स्टॉक में इन्वेस्ट करें, तो आप इसको पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में जा सकते हो। और म्यूचुअल फंड बहुत तरीके के होते हैं, इन सब की बात करेंगे आज के इस वीडियो में। बट आप लास्ट में जो मैं एक बताने वाला हूँ, एक स्कीम जिससे आपका टैक्स बच सकता है, उसको ज़रूर देखना। इस स्कीम में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आप अपनी सैलरी में, अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स बचा सकते हो इस पर्टिकुलर स्कीम में इन्वेस्ट करके, जो मैं लास्ट बताऊँगा, तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखना ताकि मिस ना हो। अब जैसे किसी शेयर को ट्रैक करने के लिए उसके स्टॉक को के प्राइस को देखा जाता है कि कितना बड़ा, कितना रिटर्न दिया, वैसे ही किसी म्यूचुअल फंड को ट्रैक करने के लिए आप उसके NAV को देखते हो, इसको बोलते हैं नेट एसेट वैल्यू, ठीक है। उसका NAV कैसा है वो देख के आप इन्वेस्ट करते हो, या फिर उन्होंने पास्ट में रिटर्न कैसा जनरेट किया है, मान लेते हैं पिछले 2 साल में कितना रिटर्न जनरेट किया है, पिछले 3 साल में, 5 साल में कितना रिटर्न जनरेट किया है, वो देख के आप इन्वेस्ट कर सकते हो उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में। अगर आपको और भी नॉलेज है स्टॉक मार्केट की, तो आप ये भी देख सकते हो कि उस म्यूचुअल फंड में कौन कौन से स्टॉक्स हैं। जैसे आप उस स्टॉक म्यूचुअल फंड का कोई कंपोनेंट होगा, कोई म्यूचुअल फंड ने मान लिया जो निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करता है, तो निफ्टी 50 के जितने भी स्टॉक्स होंगे उनमें इन्वेस्ट कर रहा होगा वो, तो आप वो स्टॉक्स देख सकते हो कि ये स्टॉक अच्छा है, ये स्टॉक अच्छा है, ये स्टॉक अच्छा, आपको इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, उस बेसिस पे और भी डिटेल एनालिसिस कर सकते हो। अगर आपको ये डिटेल एनालिसिस चाहिए कि कैसे करते हैं, तो लेट मी नो द कमेंट बॉक्स, मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा कि आप म्यूचुअल फंड के एनालिसिस कैसे कर सकते हो अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है स्टॉक मार्केट की तो। अब बात करते हैं अलग अलग तरीके के म्यूचुअल फंड की, ठीक है, कितने टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं। तो पहला जो म्यूचुअल फंड है वो बोलते हैं उसको हम इक्विटी म्यूचुअल फंड,
ठीक है। इक्विटी म्यूचुअल फंड, जैसे आपको नाम से ही लग रहा है, ये म्यूचुअल फंड आपका जो अमाउंट है वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है स्पेसिफिकली। अब जैसे म्यूचुअल फंड में ऐसा ही नहीं होता है कि वो सिर्फ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, वो स्टॉक के साथ बॉन्ड में भी इन्वेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी इन्वेस्ट करते हैं, अलग अलग तरीके के कमोडिटीज में भी इन्वेस्ट करते हैं, हर तरीके के आपके म्यूचुअल फंड होते हैं, मिक्स्ड भी होते हैं, ठीक है। तो जो इक्विटी म्यूचुअल फंड है वो बेसिकली आपका इक्विटी में इन्वेस्ट करता है बस। जैसे मान लिया लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, तो इनमें भी डिफरेंसेस होते हैं। अब इक्विटी के अंदर ही आता है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, मिड कैप म्यूचुअल फंड और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड वो होते हैं जो उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जिनकी मार्केट वैल्यूएशन, मार्केट कैप जो होती है 1,00,000 करोड़ से ज्यादा होती है। उसी तरीके से अगर हम मिड कैप की बात करें तो मिड कैप वो कंपनीज होती है जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से 1,00,000 करोड़ के बीच में होती है। तो ऐसी कंपनीज में जो इन्वेस्ट करती हैं उनको बोलते हैं मिड कैप म्यूचुअल फंड, ठीक है। और स्मॉल कैप मतलब 5,000 करोड़ की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उससे अगर नीचे वाली कंपनीज होती हैं उनमें जो इन्वेस्ट करता है उसको बोलते हैं स्मॉल कैप, ठीक है। अब देखिए लार्ज कैप में इन्वेस्ट करने का मतलब है कि आप रिस्क नहीं ले रहे ज़्यादा, ठीक है। स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने का मतलब है कि आप काफ़ी ज़्यादा रिस्क लेने के तैयार हो, लेकिन फाइनेंस का जो बेसिक रूल है कि जहाँ रिस्क ज़्यादा होता है वही रिटर्न भी ज़्यादा होता है, और जहाँ रिस्क कम होता है वही रिटर्न भी कम होता है। तो अगर हम कंपेयर करते हैं तो लार्ज कैप कंपनीज में रिस्क कम है बट रिटर्न भी कम होगा आपका, और अगर स्मॉल कैप कंपनीज की बात करें तो स्मॉल कैप कंपनीज में रिस्क कम है बट रिटर्न भी ज़्यादा होगा। तो अगर आप एक यंग इंसान हो, मान लिया आपने 20s में हो, 25 के बिलो हो, या फिर अपना नौकरी स्टार्ट कर रहे हो अभी, तो आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो। अगर आप अपनी 20s में हो तो उसमें मान लिया कि आपने स्मॉल कैप में थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट कर रखा है और लार्ज कैप में थोड़ा कम इन्वेस्ट कर रखा है, ऐसे क्या होगा कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है टाइम आपके पास आता है तो आपको रिस्क लेने की भी कैपेबिलिटी, आप आराम से एक बड़ा रिस्क ले सकते हो और शायद वो अच्छे रिटर्न में भी बदल जाए, बिकॉज ये कंपनीज फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करें तो वो फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, तो इसलिए इतना कोई डर नहीं रहता है। लेकिन स्टिल आपको थोड़ी बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी कंपनी। अब इनमें लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के अलावा भी एक ऐसे फंड्स होते हैं जो सेक्टर वाइज इन्वेस्ट करते हैं। जैसे मान लेते हैं आप IT सेक्टर में काम करते हो या फिर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करते हो और आपको उस सेक्टर की नॉलेज है, ओके। बेसिकली हर एक इंसान किसी किसी सेक्टर में काम करता है। आप IT सेक्टर में काम करते हो, आपको उसकी नॉलेज है कि IT सेक्टर में क्या चल रहा है, कंप्यूटर्स में क्या चल रहा है, आपका फ्यूचर क्या है उन चीज़ों का, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि IT सेक्टर इज गोइंग टू बी बूम, आगे आने वाले टाइम में वो आगे बढ़ने वाला है, बूम करने वाला है, तो आप स्पेसिफिकली ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो जो सिर्फ और सिर्फ IT सेक्टर में फोकस कर रहा है। तो अगर आप वो चूज करोगे तो उसमें आपको इन्फोसिस में इन्वेस्ट करता दिखेगा, विप्रो में दिखेगा, HCL में दिखेगा, ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा वो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड, और इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपकी ग्रोथ कैसे होने वाली है। तो ये तब होगा जब आपको सेक्टर स्पेसिफिक नॉलेज है। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आपको डेफिनेटली अपने फील्ड की नॉलेज होगी, नहीं है तो लो, उसके बाद आप उस पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हो। नाउ बात करते हैं दूसरे टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड की, जिनको बोला जाता है डेट म्यूचुअल फंड। ये बेसिकली लो रिस्क म्यूचुअल फंड्स होते हैं बिकॉज ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, डेट फंड में इन्वेस्ट करते हैं, जहां पे आपका जो रिटर्न है वो मोस्टली केसेस में फिक्स होता है। वहां पे जो रिटर्न है आपका मोस्टली केसेस में फिक्स रहता है और लॉस होने के चांसेस काफी कम होते हैं। तो अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो या फिर आप मान लो फैमिली वाले हो, ठीक है, तो आप उस पर्टिकुलर डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो ताकि आपके पैसे ग्रो होते रहें बिना किसी ज़्यादा रिस्क के। अब इसका तीसरा आता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। अब इसके नाम से समझ में आ रहा है कि क्या करता है। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड बेसिकली सब कुछ मिला देता है। वो इक्विटी म्यूचुअल फंड मिला देगा, डेट म्यूचुअल फंड मिला देगा, कमोडिटीज में भी इन्वेस्ट करेगा। तो वो मिक्स करके अलग अलग टाइप के हाइब्रिड म्यूचुअल फंड होते हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और वो सबको मिक्स करके आपका इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में बेसिकली तीन टाइप के म्यूचुअल फंड आते हैं जिनकी बात करना चाहूंगा मैं। पहला है आपका मंथली इनकम प्लान। इसमें क्या होता है कि वो आपके जो पैसे हैं वो 70-90% पैसा आपका डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे, जिससे आपको रेगुलर इनकम आती रहेगी और बाकी का आपका इक्विटी में इन्वेस्ट कर देते हैं। इसके बाद आता है दूसरा बैलेंस्ड हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। अगर आपको लग रहा है कि बैलेंस की वजह से 50-50 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इसमें मेजॉरिटी अमाउंट जो है 60-80% आपका इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाता है और बाकी का जो बचा हुआ अमाउंट है वो आपका डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जाता है, ताकि वहां से आपको छोटा इनकम आए लेकिन ज्यादा नहीं आता, छोटा आता है। तो ये अगर आपको चाहिए तो आप बैलेंस म्यूचुअल फंड में कर सकते हो। अब तीसरा आता है आर्बिट्राज म्यूचुअल फंड। इसमें बेसिकली देखिए थोड़ा सा आप कह लो कि टेक्निकल ज्यादा हो जाता है, क्योंकि आर्बिट्राज का मतलब क्या होता है, अगर किसी कंपनी के इक्विटी प्राइस में और डेरिवेटिव प्राइस में डिफरेंस होता है तो इस प्राइस के डिफरेंस का फायदा उठा के बेसिकली ये म्यूचुअल फंड वाले पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये बहुत पॉपुलर नहीं है, ये सारे पॉपुलर म्यूचुअल फंड नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी कुछ है, जैसे मान लिया मंथली इनकम वाली रिक्वायरमेंट है या फिर आपका बैलेंस फंड रिक्वायरमेंट है, तो आप इनमें आके इन्वेस्ट कर सकते हो एज अ हाइब्रिड फंड,
ठीक है। अब मार्केट में बहुत अलग अलग तरीके के फंड आ रहे हैं, अगर आपको नाम जानना है या फिर जानना है कि कौन से फंड में एक्चुअली इन्वेस्ट कर सकते हो आप, कौन सा आपका एग्जैक्ट फंड कौन सा है जिसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, लेट मी नो द कमेंट बॉक्स, मैं उस पर भी एक रिसर्च करूंगा, एक वीडियो बना सकता हूं उस पर, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपको चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बताओ, और यहां तक अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक इट। नाउ नेक्स्ट म्यूचुअल फंड इज माय फेवरेट म्यूचुअल फंड, ठीक है। इसका नाम है इंडेक्स म्यूचुअल फंड और इसको हम ETF भी कहते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। आपने जनरली सुना होगा कि सेंसेक्स आपका 50,000 पहुंच गया, आपने सुना होगा निफ्टी आपका 18,000 क्रॉस कर गया, ठीक है, आपने सुना होगा बैंक निफ्टी ने अपना लाइफ टाइम हाई ब्रेक कर दिया। तो ये जो इंडेक्स होते हैं इनमें इन्वेस्ट कैसे कर सकते हो आप? मान लेते हैं अगर आपको लगता है कि ये इंडेक्स बढ़ रहा है, और बढ़ेगा क्यों नहीं यार, देखो निफ्टी 50 अगर हम इसकी बात करें, फिर सेंसेक्स की बात करें, ये इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ का रिप्रेजेंटेशन है। इंडिया ग्रो करेगा तो ये कंपनीज, ये निफ्टी 50, ये सेंसेक्स, ये भी ग्रो करेंगे, ठीक है। तो अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो ये ग्रो करेंगे करेंगे, इनमें कोई दो राय है ही नहीं। तो अगर आपको एक सेफ एंड साउंड इन्वेस्टमेंट चाहिए तो आई थिंक इंडेक्स फंड इज़ द बेस्ट, क्योंकि उसमें देखो फायदा क्या होता है, जैसे म्यूचुअल फंड में आपने देखा होगा कि एक्सपेंस रेशियो लगता है, उसमें आपका कुछ प्रॉफिट में से पैसा लेते हैं जो फंड मैनेजर होते हैं, क्योंकि वो फंड मैनेज कर रहे हैं आपका, ठीक है। लेकिन इंडेक्स फंड में क्योंकि वो सारा पैसा इंडेक्स में लगा रहे हैं, मतलब कि स्टॉक फिक्स है, सेंसेक्स में 30 स्टॉक्स हैं, तो उन 30 में ही पैसे लगने हैं, कहीं उनको चेंज नहीं करना है, उनमें कोई भी ऊपर नीचे नहीं करना है, तो वहाँ पर फंड मैनेजर की ऐसी कोई जरूरत नहीं है, आया पैसा लगा दिया छोड़ दिया, ठीक है, कोई भी कर सकता है। दैट्स वाई उसमें कोई एक्सपेंस रेशियो वाला सिस्टम नहीं है, उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं लगेगा आपका, आपके प्रॉफिट में ज़्यादा पैसे काटे नहीं जाएंगे। और यह आप अपने नॉर्मल प्लेटफॉर्म से कर सकते हो, मतलब आप ज़ीरोधा से, एंजल ब्रोकिंग से, कहीं से भी आप ETF बाई कर सकते हो, सेल कर सकते हो, इवन आपने आज बाई किया आप कल भी सेल कर सकते हो। तो इसलिए इंडेक्स फंड जो होते हैं मेरे सबसे फेवरेट हैं, एंड ट्रस्ट मी जितने भी म्यूचुअल फंड अभी तक हमने पढ़े हैं ना, आप उनका उठा के लॉन्ग टर्म रिटर्न देख लो, वो इंडेक्स को बीट नहीं कर पाते हैं। तो इफ़ यू आर समवन जिसको पता है कि कुछ नहीं करना है, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, बस पैसे पे रिटर्न जनरेट करना है, गो हैड इन्वेस्ट इन इंडेक्स फंड और आपके पैसे पे रिटर्न आता रहेगा, दैट्स फॉर श्योर, तुरंत नहीं आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आज लगाया और रातों रात वो डबल हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। इफ़ यू लीव इट फॉर सम टाइम, मे बी आप 2 साल 4 साल 10 साल के लिए छोड़ोगे, देन यू विल सी द ग्रोथ, और वो ग्रोथ काफ़ी सिग्निफिकेंट होगी। अब आता है बोनस, जिसमें आप अपना टैक्स बचा सकते हो। हम इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट टाइप को बोलते हैं ELS फंड। अब ELS फंड में बेसिकली क्या होता है कि आप अपना जो पैसा डालते हो उस पर 1.5 लाख तक का टैक्स, जैसे मान लिया आपका टैक्स ब्रैकेट है, तो आप अगर वो इन्वेस्टमेंट दिखाओगे कि आपने ELS स्कीम में 1.5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर रखा है, तो वो आपका टैक्स माफ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक घाटा ये है कि आपको अपना वक्त देना पड़ेगा, मतलब ELS में लॉक इन पीरियड है। अभी तक जितने म्यूचुअल फंड पढ़े हमने, जितने इंडेक्स फंड पढ़े, उसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, लेकिन ELS में 3 साल का लॉक इन पीरियड है। ELSS 3 साल का लॉक इन पीरियड है, आपको 3 साल के लिए अपना पैसा वहां पे फंसाना पड़ेगा, और उससे आप अपना टैक्स रिबेट ले सकते हो, ठीक है, दैट्स इट। तो ये फायदा मिलेगा अगर आप ELSS में इन्वेस्ट करते हो तो। सो दैट्स इट फॉर म्यूचुअल फंड। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, और ऐसे और टॉपिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन दबा लो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।